फरीदाबाद गोरखपुर सब सब संपर्क करता है ये पुल। ये पुल कितने लोग मर गए हैं इसी पुल पे से? हाँ, कितने जानवर मर गए हैं? ठीका होता है 1,40,000 का ठीका है इसका। अच्छा, ये सब अपने लक्ष्य भर्ती डाल के हम लोग खुद खरीद के बनाए हैं। राय रात बिरात चलता है हमेशा, राय चले बंद नहीं रहे, रात में भी जाते हैं, रात बिरात चलता है राय। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये चिलुआ ताल है और ये जहां पर हम खड़े हैं ये एक पुल है जो गांव के लोगों ने खुद बनाया है। बांस की बल्ली को काट कर उस पर मिट्टी छोप कर इस पुल को बनाया गया है। भैया बता रहे हैं, गांव के लोग बता रहे हैं कि उस जो है काफी गांव है, उस गांव को जोड़ता है ये पुल। बरसात में इसका क्या हाल होता होगा ये एक समझने की बात है। अभी बाबा हैं वो बताएंगे कि उस तरफ कितने गांव हैं और ये पुल कितना महत्व रखता है। चाचा, उस तरफ कितना गांव है? बहुत ज्यादा गांव है। सज्जी गाँव है, सज्जी एकदम सब गाँव है। मेहदावर कहाँ है? सहजनवा तक संपर्क करता है, बखीरा झील बेल और खलीलाबाद गोरखपुर सब सब संपर्क करता है ये पुल। ये पुल हाँ जी हाँ। कब बना बाबा ये पुल? कब बना ये पुल? आओ पुल नहीं ये वाला जो आप लोग बनवाए, ये है अगस्त सितंबर में बना है। अच्छा हाँ, लोग जुट कर करके मजदूर आदमी बनाते हैं, हाँ उससे पैसा अपनाते हैं, जैसे आने जाने को पसी श्रमिकों से। अच्छा हाँ, श्रमिकों से पैसा पाते हैं तब ये बनाते हैं, ठीका कर लेते हैं पंचायत राज से। तो ये डर की बात नहीं बाबा, ये टूट नहीं सकता है जब ज्यादा भाई कोई आ जाए? हाँ, भारी गाड़ी आ जाए। जैसे वजन गाड़ी ना आई है पे, वजन गाड़ी ना आई है ये पे, ना ही दुपहिया और टेम्पो सब निकल जाएगी। खाली जाती है इस पे? हाँ, टेम्पो निकल जाएगी, खाली टेम्पो चल जाएगी। आवागमन सिर्फ टेम्पो का, खाली खाली उस पर सवारी नहीं होना चाहिए। हाँ बाबा, ये पुल है कभी टूटा उटा है? कभी लोग गिरे उरे हो, जान चली गई हो? नहीं, जान तो बहुत तेरे लोगों का भी ऐसे गिर के मरल बात है। गिर के इसे, गिर जाते हैं मोटरसाइकिल वाले, तबाह हो गए गिर करके, कहीं मुड़ जाता है तो गिर जाते हैं लोग। हाँ, वो जो भैया है बता रहे हैं कि इसी पुल पे फिसल गए थे जिसकी वजह से आज थोड़ा आगे गाड़ी गाड़ी सी संपर्क इसी से गिरा है। भले हमें ये लोग बनाते उड़ाते हैं मगर खतरा तो है ही है। खतरा है ना? हाँ, कितने लोग मर गए हैं इसी पुल पे से? हाँ, कितने जानवर मर गए हैं? गिर जाते हैं फिसल? हाँ, गिर जाते नहाते बरसात के टाइम में, इधर नहाते उसमें फंस जाते हैं। भैया डर नहीं लगता है वो पुल पे से बाइक वाइक तो लगता है? सबको डर लगता है, डर सबको लगता है। आप भी जाओगे आपको डर लगेगा? डर तो लग रहा था जब खड़े थे और बगल से बाइक जाए, पूरा हिल रहा है, हिल रहा है। अगर दो बाइक पड़ गया तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम पड़ जाता है। सर यही बात अपना लिया, देखिए जा भी रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं नवा पार। ये इतना भारी लेके जा रहे हैं उस पुल पे से? हाँ, तो इसको बनवा नहीं रहे? डर नहीं लग रहा? नहीं डर अच्छा लगा। इसको बनवाइए, फील्ड जरूरी है बनवाना है यहाँ पर। आप लोग स्कूल को बनवाइए। हाँ, शाम में तो डर लगता ही है। हाँ, अभी तो साफ दिख रहा है, अभी तो साफ दिख रहा है। कितना किलो होगा भैया ये? ए होगा 20-25 किलो। ये पुल जो है बांस बल्ली के सहारे गांव के लोगों ने खुद ही बनाया है, क्योंकि बता रहे हैं कि कई सालों से सिर्फ सिफारिश की जा रही है, सिफारिश जा रही है। ठीका होता है 1,40,000 का ठीका है इसका। अच्छा, ये सब अपने लक्ष्य भर्ती डाल के हम लोग खुद खरीद के बनाए हैं। सर देखिए बांस है वही, कितनी मजबूत है वो, अंत में वो जर्जर होना है। पानी में भी पिके? हाँ हाँ, जर्जर होना है, धोखा घर, अब जान जाने की जोखिम है। अच्छा, आप लोग कब से मांग रहे हैं पुल? ये एक पंचवर्षीय बीत गया। हाँ, वो जो सरकार थी वो वचन दे करके वो मुकर गई। तो यार शिलान्यास किए थे, वो एक पुल मनवाए हैं, उस पर कोई आदमी ही नहीं जाता है, आश्वासन दिए, पैसे पड़ा है फालतू, किसी काम का नहीं है। फिर उसका साथ वहाँ एक अपन प्रतीक रख दिए हैं। हाँ देखिए वो ईटा है, ऊपर गजा है, वो जो ईटा दीवार है जो आजकल का गवर्नमेंट सम्राट हैं उन्हीं का बनवाया हुआ है। कौन है आजकल? आजकल यूपी का सम्राट के है, आदित्यनाथ है, श्री श्री। तो ये किनसे मांग रहे हैं आप लोग? उन्हीं से। उन्हीं से मांग रहे? हाँ, उन्हीं से। 5 साल मांगते रहे, अब दोबारा मुख्यमंत्री बराबर खबर जाता है, विधायक क्षेत्र विधायक क्षेत्रीय विधायक हैं वहाँ बराबर खबर जाता है पुल के लिए। हाँ,
लेकिन सुनते नहीं। नहीं उछाल करते हैं कि ये फोर लेन हुआ है इस पर आगे से यहाँ देखिए, फोर लेन अगर हो जाता है तो ये पुल नहीं हो पाएगा, अगर नहीं फोर लेन होता है तो पुल बनेगा, यही बात का आश्वासन देते हैं। हाँ क्षेत्रीय विधायक श्री श्री महेंद्र पाल सिंह। हाँ तो महेंद्र पाल जी को नहीं पता है कि फोर लेन बनेगा कि नहीं बनेगा? अब पूछने पर लोग जब आते हैं क्षेत्र में देखने पब्लिक को तो कहते हैं, तो यही इतना ही आश्वासन दे करके रह जाते हैं। तो ये वो पुल है जो गांव को जोड़ने का काम तो करता है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक। पानी के नीचे इसका जो खंभा है वो लगा हुआ है, तो धीरे धीरे सड़ेगा ही, टेढ़ी है तो सड़ना ही है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि वो सड़ गया है। कौन हमेशा बार बार निरीक्षण है और देखने जा, ये इसी पुल रास्ते आती जाती है, डरती है? हाँ डरती है, डरती है। अरे मनो कहल है ओकर कौन लकड़ी कौन ठीक कि कब टूट जाए कब जाए। इससे पहले कब हादसा हुआ था आपके गांव में? कोई गिर गया था पुल से? अरे ना ही ऐसा तो ना ही कब गिर रहा है। हाँ कब कहाँ के गिर? अरे हाँ बाढ़ी ओढ़ी में। हाँ हाँ बाकी हम तुम ना दे जाने कैसे कह दे, जब हम ना जाने कैसे कह दे, जे बाद में रहते जाना था हमन के गाँव। हाँ वहाँ तो इसी पुल रास्ते रोज आती जाती? हाँ हाँ आवल जला ऊपर खेत है। अच्छा घर किधर है? आवे और रहिया। अच्छा घर इधर है खेत उधर है? हाँ मन पाही हो है। अच्छा पुल बन जाए पुल बन जाता सबके सुविधा हो जाए तेई होता का। वही पुल का ही तो देखने आए हैं आप लोगों के यहाँ की एक पुल है जिसको सरकार नहीं बना रही है, गांव के लोग खुद ही अपना पैसा चंदा इकट्ठा। हाँ चंदा कही के ये सब तो पाटल है, ये सब तो पाटल है, पाटल है ना चले ही कैसे पार कर मन के बहुत दिन से तो घूमा भैल के मन बनी बनी बाकी बनल है बनल नहीं। बाबा उस बार हजारों लोग तो होंगे जिनकी जिंदगी इस पुल के सहारे टिकी होगी। हजारों लोग तो कम से कम। हाँ लोग कहते हैं कि बनेगा पुल, उस पार के लोग कहते हैं कि बनेगा पुल। हाँ देखिए एक बच्चे को एक पिताजी उसी पुल के सहारे लेकर आ रहे हैं और पीछे जो है उनकी वाइफ भी आ रही हैं, उनकी पत्नी भी है। चाचा पुल का भरोसा है? अभी तो फिलहाल तो यही भरोसा हम लोग करते हैं। हाँ मान लीजिए कि टूट जाए तब? नहीं ऐसा है एक लेखे तो मान लीजिए गड़बड़ है। हाँ बहुत खतरनाक चीज है ये। हाँ रिस्की है। हाँ तब भी बच्चे को लेकर आ रहे तो क्या करें, मजबूरी है, इसको मजबूरी बोलते हैं। जब भाई कोई साधन नहीं है सुविधा नहीं है तो भाई मजबूरी इसको बोलते हैं। हाँ मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि इस पार जो लोग रहते हैं और उस पार जो लोग रहते हैं दिन भर में अगर एक या दो बार इस पुल को क्रॉस करके आते हैं तो जान हथेली पर लेकर चलते हैं कि कब पुल टूट जाए। कोई भरोसा नहीं रहता है इसका कोई मायनेज नहीं है कि कब टूट जाएगा, कोई गारंटेड नहीं है उसका। नहीं तब भी आना है, क्या करेंगे, मजबूरी इसी को कहते हैं। मुस्कुराहट कह रही है मजबूरी इसी को कहते हैं। अब एक बार ये सोचना होगा कि जिन पर जिम्मेदारियां हैं वो लोग बड़ी अनहोनी का इंतजार करते हैं, जब कोई बड़ा अनहोनी हो जाएगा चाचा तब आएंगे कहेंगे हमार सांत्वना बतूरे परिवार के साथ है, हम जल्दी कुछ करब। ये होला तो ऐसा न होता कि बनी 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 कही के ना हो पावता। हम लोग सोचा था पुल बन जाए तो बहुत बढ़िया बात, हम लोग चाहते हैं कि पुल बन जाए। जबरदस्त चली है रात बिरात चलता है, हमेशा राह चले बंद नहीं रहे। रात में भी जाते हैं? हाँ रात बिरात चलता है, रात भर चलता है, रात बंद नहीं रहता है राह। हाँ रात भर राह चले ले, रात में तो सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं। हाँ रात भर राह चले ले, राह बंद नहीं, लगन में तो एकदम लगातार गाड़ी। हाँ तो आप ऐसे समझिए कि ये जो पुल है वो उस पार किसी का घर है तो किसी का खेत है, दूसरी तरफ ये जो लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं उनका रोजगार भी कहीं ना कहीं, रोटी भी उनकी इसी पुल पर टिकी हुई है। तो ये सिर्फ पुल एक रास्ता नहीं है,
तमाम लोगों के लिए रोजगार है, तमाम लोगों का घर है उस पार, तो उनको आना ही जाना है। ये जानते हुए भी कि ये पुल बहुत खतरनाक है, फिर भी लोग सुबह से लेकर शाम तक दिन में 3 या 4 बार इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा अभी एक भैया मुस्कुराते हुए बोले कि ये मजबूरी है, तो जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए तो मजबूरी है, लेकिन जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं उनकी कौन सी मजबूरी है कि वो ये पुल नहीं बना रहे हैं। भैया ने बताया कि एक पंचवर्षीय योजना बीत गई, यानी कि 5 साल बीत गया, खाली सिफारिश गई, लोग अपनी परेशानी बताते रहे, लेकिन पुल नहीं बन पाए हैं। चाचा नहीं, नहीं बन पा रहा है। नहीं, क्या लगेगा, क्या लग रहा है, कब तक बन जाएगा? अब पता नहीं कब तक बनेगा, अब लोग सुनते हैं कि हाँ पुल बनेगा। हाँ बस सुनते हैं। हाँ बस 5 सालों से यहाँ के लोग बस ये सुन रहे हैं कि पुल बन जाएगा, जल्द ही बन जाएगा। तो 5 साल बीत चुका, 5 साल अभी और सरकार रहेगी, देखना है कि इन 5 सालों में ये पुल बन पाता है या नहीं। है तो बहुत खतरनाक, लेकिन तब भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये तस्वीर गोरखपुर की है, गोरखपुर से हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 21वीं सदी के भारत में आज भी लोगों को बांस बल्ली के पुल के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक इस पुल के सहारे आ जा रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।